फ्रेंड्स, आज ये हमने 2 HP जो चक्की की मोटर होती है उसकी वाइंडिंग की है। AC इंडक्शन मोटर है ये। इसमें जो ये बाहर वाली कॉइल होती है, जो मतलब बाहर होती है कॉइल, वो रनिंग कॉइल होती है ये वाली, और ये जो अंदर वाली कॉइल होती है ये स्टार्टिंग कॉइल होती है। ये जो अंदर वाली कॉइल है स्टार्टिंग कॉइल है ये वाली, और इसका जो रनिंग कॉइल का पिच है, रनिंग कॉइल का पिच हमने रखा है, चार, 6, 8 और 10, जिसमें तार नंबर है 19 नंबर SWG का तार है, और 32, 41, 52 और 25 इसमें आटे लगे हैं। और इसी प्रकार जो स्टार्टिंग वाइंडिंग थी उसका 23 नंबर का तार था, जिसका पिच था 5, 7 और 9 का था, जिसमें 30, 40 और 50 के हिसाब से अपने हमने आटे लगाए हैं। अब जो इसमें हमने कॉइल्स डाली है वो सारी क्लॉकवाइज घुमाते हुए बाहर डाली है। एक कॉइल कॉइल्स डाली है, मतलब कॉइल के 2 फेस होते हैं, जिसमें एक अंदर की तरफ जाता है और एक वापस बाहर आता है। इस प्रकार हमने कॉइल को क्लॉकवाइज घुमाया है। अब जो रनिंग में अंदर वाली 2 कॉइल है, ये वाली और ये वाली, इसके जो कनेक्शन हमने किए हैं और इन दोनों कॉइल्स को हमने सीरीज में किया है, और ऐसे ही इसको और इसको हमने सीरीज में किया है। इस प्रकार इस कॉइल में से 2 तार, इस कॉइल में से 2 तार, 4 तार हमारे पास हो गए, लेकिन इनको सीरीज में कनेक्शन करने के बाद में हमें इन दोनों कॉइल से केवल 2 तार ही मिले हैं, और ऐसे ही हमें भी इन दोनों कॉइल से हमें 2 तार मिले हैं, और इन चारों कॉइल्स को जो स्टार्टिंग कॉइल्स है 1, 2, 3 और 4, ये चारों कॉइल्स है, इनमें से हमें केवल और केवल 2 तार बाहर मिले हैं। इन चारों कॉइल्स को हमने सीरीज में जोड़ा है। इन चारों कॉइल्स को ये और ये जो स्टार्टिंग कॉइल है, इन चारों कॉइल्स को हमने सीरीज में जोड़ा है सीरीज में। इसके हिसाब से हमें केवल और केवल 2 तार बाहर मिले हैं, और रनिंग वाइंडिंग में से हमें 4 तार बाहर मिले हैं। इन दोनों कॉइल्स में से जो 2 तार बाहर मिले हैं, मतलब इनके बार बार वाले सिरों को हमने एक दूसरे से जोड़ दिया। ये देखिए, ये रहा कनेक्शन किया हुआ, और बाकी जो अंदर वाले सिरे थे इनको हमने बाहर निकाल दिया। एक तो ये वाला है और एक इस कॉइल का है, ये वाला जो अभी दिख नहीं रहा, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है जो बाहर निकाल रखा है, और ऐसे ही इस बाहर वाली रनिंग में से भी 2 कॉइल बाहर निकल रही है। इन कॉइल्स का कनेक्शन ऐसे किया जाता है, जैसे इनमें करंट एक बार क्लॉकवाइज घूमती है, तो एक बार करंट इसमें इस वाली कॉइल में क्लॉकवाइज घूम जाती है, तो इस वाली कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, फिर वापस इस कॉइल में क्लॉकवाइज घूमेगी, और फिर वापस इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इस प्रकार जो मैग्नेट बनती है उस हिसाब से ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, फिर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस प्रकार 4 पोल अलग अलग जो आसन्न कोण बनेंगे, आसन्न पोल बनते हैं एक दूसरे से एडजेसेंट में, वो हमेशा अलग अलग होते हैं, इसीलिए इन कॉइल में सप्लाई की डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है। और इस प्रकार हमें 6 तार बाहर निकलते हैं। अब इनके कनेक्शन हम अभी बाद में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।